आज का जो विषय है, अपने अनुभव पर नहीं पर यीशु के वचनों पर भरोसा करिए। आपका अनुभव, कोई भी समस्या आपके जीवन में आती है तो आप पहले अपने अनुभव का उपयोग करते हैं, अपने रिश्तेदारों के अनुभव का उपयोग करते हैं कि जब ये समस्या मेरे रिश्तेदार में आई थी या मेरे पीछे आई थी या कभी आई थी तो कैसा मैंने किया था, क्या क्या किया था। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि हमें अपने अनुभव का उपयोग नहीं करना है, हमें यीशु के वचन का उपयोग करना है, हमें उस पर आश्रित करना है। हालेलुया। जल्दी से हम एक वचन पढ़ेंगे, लूका 5:5। यहां पर पतरस के बारे में बताया जा रहा है कि पतरस किस तरीके से परमेश्वर के करीब आया, किस तरीके से यीशु के करीब आया, किस तरह उसने यीशु मसीह को जाना। ये 5:5 में लिखा गया है कि वो रात भर मछलियां पकड़ने के लिए पसीना बहा रहा था, अपने दोस्तों के साथ यूहन्ना याकूब सब लोग मिलकर मछलियां पकड़ रहे थे। वो लोग मछुआरे थे, उनको मछली पकड़नी आती थी, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बाइबल बताती है कि उनको एक भी मछली नहीं मिली। आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए, आप समझेंगे कि सारी रात उन्होंने मछली पकड़ने की कोशिश की और एक भी मछली नहीं आई। एक तो आती, एक भी नहीं आई, प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां पर यीशु मसीह उसे मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि पतरस मैं कौन हूं, मेरे वचन में क्या सामर्थ है, मेरी शिक्षा में क्या समझ की ज्ञान है, वो तुझे समझना है। पढ़िए बेटे, विश्वास करिए। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की। यीशु मसीह ने कहा कि नाव के दाहिनी ओर जाल डाल, क्योंकि रात भर तूने कुछ भी नहीं पकड़ा है, वो अपने जालों को ठीक कर रहे थे। तो यहां पर वो क्या जवाब देता है यीशु मसीह को, बोलिए। हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। आमीन। इस वचन पर ध्यान दीजिए, इस वचन के अनुसार पतरस बता रहा है कि उसका अनुभव क्या है। नंबर 1, रात में ही मछलियां पकड़ी जाती हैं। नंबर 2, हमने रात भर मेहनत की। वो अपना अनुभव बता रहा है कि हमने रात भर मेहनत की, पसीना भी बहाया, लेकिन एक भी मछली हमारे जाल में नहीं आई। अगर पतरस अपने अनुभव पर भरोसा करता तो वो क्या कहता, यीशु मसीह आप मछुआरे हैं क्या, आपको मछली पकड़ने का है, क्या बात कर रहे हैं आप, ठीक है आपको बाइबल का ज्ञान होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मछली पकड़ने भी जानते हैं, नहीं जानते हैं। मेरा अनुभव कहता है कि जिस तरीके से मैंने मछली के लिए जाल डाला था वो सही था, उसमें कहीं कोई गलती नहीं थी। और आप कह रहे हैं कि अब मैं सुबह सुबह जाऊं और नाव के दाहिनी ओर जाल डाल लूं। लेकिन पतरस ने ऐसा नहीं किया, पतरस ने अपने अनुभव पर भरोसा नहीं किया और उसने यीशु के कहने पर कहा, क्या कहा कि आज जैसा तू कहता है मैं वैसा करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें जब यीशु मसीह के, आप जानते हैं कि जब आप यीशु के वचन पर चलते हैं, देखिए जब आप अपने अनुभव पर चलते हैं तो आपका अनुभव जो दिखाना चाहता है या जो दिखाएगा वो आप देख पाएंगे। लेकिन जब आप यीशु के वचन के अनुसार चलते हैं तो आप वो चीजें देखेंगे जो भविष्य में होने वाली हैं। आप उन चीजों को देखेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने क्या कहा कि तू जाल को, तू अपनी नाव को गहराई में ले चल और नाव की दाहिनी ओर जाल डाल। तो कहता है कि मैं सारी रात मेहनत करता रहा लेकिन कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन तेरे कहने पर मैं जाल डालता हूं। 6 वचन क्या बेटा, जल्दी पढ़िए। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। आगे इस पर उन्होंने
अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आके मेरी सहायता करो। प्रेज द लॉर्ड। अब यहां पर आप देखेंगे कि जैसे ही जाल, जैसे उसने जाल डाला, जैसे यीशु मसीह की बात मानी तो पूरा जाल भर गया, और इतना भर गया, यानी कि वचन बताता है कि इससे पहले इतनी मछली उसने कभी नहीं पकड़ी थी, इतनी मछली उसने कभी नहीं पकड़ी थी। तभी उसे दोनों दो नाव को बुलाना पड़ा। अगर उसने इससे ज्यादा मछली पकड़ी होती तो दो नाव लेके चलता, लेकिन वो एक नाव लेके ही चला, क्योंकि उसे पता था कि कितनी मछलियां आएंगी मैं एक नाव पर डाल सकता हूं। लेकिन उसे नहीं पता था कि इतनी मछलियां आ गई कि जाल टूटने लगा, और उसे यूहन्ना याकूब की मछलियों को भी, नाव को भी बुलाना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर वचन क्या कहता है, जैसे ही नाव पर, जब पतरस ने यह देखा कि वो यीशु के पैरों पर यह कहते हुए गिर गया कि हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं, क्योंकि इतनी मछलियों को घेर लाने के कारण उसे अपने साथियों को आश्चर्य हुआ। आश्चर्य हुआ। जब आप यीशु मसीह के वचन पे चलेंगे, जब आप यीशु मसीह के अनुसार चलेंगे, तो आपके जीवन में चमत्कार होगा। यस, बहुत हल्की तालियां बजा रहे हैं आप लोग, बहुत हल्की तालियां बजा रहे, बहुत ही। जब आप यीशु के वचन पे चलेंगे तो आपको चमत्कार होगा आपके जीवन में। ये चमत्कार जब पतरस ने देखा तो उसने कहा, अरे मैं कौन हूं, मैं इस परमेश्वर के पुत्र, मनुष्य के पुत्र के सामने मैं कौन हूं, और वो दीन बन गया, उसने पश्चाताप किया। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने उसे अपने पीछे चलने के लिए कहा, उसने उसी समय सारी मछलियां छोड़ दी। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि यीशु मसीह ने जो शिक्षा दी थी कि जाल को गहराई में डाल, जब पतरस अपने नाव को गहराई में ले गया होगा, और जब ने विश्वास किया, और जब उस नाव में के दाहिने ओर जाल डाला होगा, उस गहराई से जब मछलियां आई होंगी, तब उसे समझ में आया, आमेन, तब उसे समझ में आया कि मुझे यीशु ही चाहिए, मुझे इन मछलियों की जरूरत नहीं है, ये मछलियां मेरे लिए कुछ भी नहीं है, आज है खत्म हो जाएंगी, लेकिन मेरे उसके मुझे उसके पीछे चलना है, और उसका नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह का वचन आपको रास्ता दिखाता है, यीशु मसीह का वचन बताता है कि आपको क्या चाहिए, आपका अनुभव बताता है कि आपके जीवन की, आपकी प्रारंभिक, आपकी भौतिक चीजों कोई किस जरूरत आपको पूरा कर सके। लेकिन यीशु मसीह का वचन आपको बताता है कि आपको भविष्य में क्या चाहिए, आप किसके लिए बने हैं, आप हैं कौन। प्रेज द लॉर्ड। उसके वचनों में वो ताकत था, इसलिए काना की शादी में जब मरियम ने देखा कि दाखरस खत्म हो गया है, तो उसने क्या कहा, उसने सेवकों से कहा कि जो ये कहे वो करो। प्रेज द लॉर्ड। जो ये कहे वो करो, क्योंकि उसके कहने में ही सामर्थ है, उसके वचन में ही शक्ति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम यीशु मसीह के वचन पे चलते हैं तो यीशु मसीह का वचन हमें वो दिखाता है, वो सामर्थ दिखाता है, उस अनंत काल की बातों को दिखाता है, उस अदृश्य बातों को, उस अदृश्य दृश्य को दिखाता है जो हम नहीं देख पाते, अपनी आंखों को, अपने शरीर की आंखों में नहीं देख पाते, हम समझ नहीं पाते। आपको याद है मूसा, मूसा जब मिस्र का राजकुमार था, फिरौन की बेटी का बेटा बनकर वो वहां रह रहा था, लेकिन उसने भाप लिया, उसे जान लिया, दूध पीते समय उसकी मां ने बताया कि तू कौन है, दूध पिलाते समय मूसा की मां ने, यकोबेत ने बताया मूसा कि तू इज़राइली है, तुझे परमेश्वर ने जब तू 3 महीने का था तुझे बचाया है, वो सर्वशक्तिमान है,
वो हमारा चरवा है, वो हमारा निगेबान है। मूसा वही तेरा संरक्षक है, वही हमारा पिता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब मूसा ने देखा, जब आप पढ़िएगा अपना इब्रानियों 11 का 27 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मूसा ने क्या देखा, किस चीज को समझते हुए उसने परमेश्वर के चरणों में आने में अपना जीवन सार्थक समझा। वो एक राजकुमार था, लेकिन अगर आप देखेंगे बाइबल पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक पढ़ेंगे दूसरा तीसरा अध्याय में, तो आप देखेंगे कि वहां पर जब मूसा ने एक मिस्री को मारा और जब इब्रानी ने जब कहा कि तूने मिस्री को मार दिया है, वो डर गया। लेकिन यहां पर 11 का 27 क्या कहता है, पढ़िए बेटा। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डर कर उसने मिस्र को छोड़ दिया। विश्वास ही से, अगर आपके अंदर विश्वास होगा तो आप किसी के क्रोध से नहीं डरेंगे, आपके अंदर डर की आत्मा निकल जाएगी। आपका विश्वास आपको डर से निकालेगा। बाइबल कहती है कि विश्वास ही से वो मिस्र के राजा के क्रोध से डरा नहीं। कि मिस्र का राजा क्या कहेगा, कुछ नहीं कहेगा, छोड़ दिया मिस्र को, छोड़ दिया, क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ कर रहा। क्या, कौन सी चीजों को उसने देखा जो आप, जो हमने नहीं देखी? क्यों छोड़ा उसने? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उस पिता परमेश्वर के सामर्थ को जान गया था वो। उसने क्या देखा जो मिदान शहर में आ गया? एक राजसी जीवन जी रहा था वो। मूसा एक राजसी जीवन जी रहा था, उसके आजू बाजू दाएं बाएं सेवक ही सेवक थे, दासियां ही दासियां थीं। खाने के लिए उसके पास अद्भुत आशीषित था, उसके सेवक थे, सेवा के लिए सब कुछ था, राजमहल में वो सोता था। लेकिन उसने क्या देखा? उसने देखा परमेश्वर के प्रेम को, उसने जाना परमेश्वर के सामर्थ को, उसने जाना कि जब मैं तीन महीने का था, किस तरीके से मेरी मां ने मुझे नील नदी में छोड़ दिया था और किस तरीके से परमेश्वर ने मुझे बचाया था। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई मेरी बहन, आपके जीवन में जो चमत्कार होते हैं ना, उनको कभी मत भूलिए, उनको कभी मत भूलिए। छोटे से छोटा कार्य भी जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है उसको कभी मत भूलिए। उसी चमत्कार को आधार बनाकर आप परमेश्वर के आने का, आप यीशु के आने का इंतजार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वही आपका आधार है, वही आपकी शक्ति है। मूसा ने अनदेखे में क्या देखा? कि मेरा पिता मेरे साथ खड़ा है। हालेलुया। इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, उसने इब्राहिम से, मेरे पूर्वज से वादा किया है कि 400 साल के बाद वो आएगा और हमारी सुधि लेगा। वो चीज देख रहा था, वो परमेश्वर के आने को देख रहा था, उसकी सुरक्षा को देख रहा था, उसके कार्य को देख रहा था, उसके प्रेम को देख रहा था। प्रेज द लॉर्ड। और वो उसने मिस्र को छोड़कर मिदान शहर में आ गया और 40 साल तक बाइबल बताती है कि वो बकरियों को चराता रहा। लेकिन उसका विश्वास कम नहीं हुआ, उसका विश्वास कम नहीं हुआ, क्योंकि उसके साथ उसका वचन था। आमीन। परमेश्वर कैसे कार्य करता है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। कल मैं एक बाइबल का वचन पढ़ रहा था, मैं बहुत आनंदित हुआ, बहुत आनंदित हुआ। भजन संहिता 22 का 10 जी। मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है। आमीन। हेलो, मेरी तरफ देखिए, वचन क्या कहता है? जन्म से ही मैं तुझ पर छोड़ दिया गया था, मेरी माता के गर्भ से ही तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि कैसे ये बोल रहा है एक बच्चा
कि मैं जन्म से ही तुझ पर छोड़ दिया गया था। कैसे? जब बच्चा मां की कोख से निकलता है और कैसे वो अपनी मां के दूध तक पहुंचता है और कैसे उसकी मां उसका पालन पोषण करती है, कभी आपने सोचा है? वो जो बच्चा उसकी कोख से निकलता है उसको कोई भाषा नहीं आती, उसकी कोई जुबान नहीं होती है, मां उसकी कोई जुबान नहीं समझती है कि वो रो रहा है तो क्या मांग रहा है, वो किसके लिए रो रहा है, वो किसके लिए जाग रहा है। हालेलुया, नहीं मानती, नहीं समझती है। आपको बताऊं, उस समय बेटे और मां के रिश्ते के बीच में कौन होता है? परमेश्वर। वो उस बच्चे को भी समझ देता है। सबसे बड़ा चमत्कार, सबसे बड़ा कार्य बच्चा कब करता है? जब वो मां का दूध पीता है। उसको नहीं पता है बच्चे को कि कैसे दूध पीना है। कौन समझ देता है? परमेश्वर। मां को कौन समझ देता है? परमेश्वर। मां जब थक जाती है, सो जाती है, और जैसे ही बच्चा करवट लेता है, कैसे मां उठ जाती है? कौन उठाता है मां को? परमेश्वर। आमीन। इसलिए वचन कहता है कि जन्म से ही मैं तुझ पर छोड़ दिया गया था, जन्म से ही मैं तुझ पर आश्रित था, तूने ही मुझे संवारा है, तूने मुझे बुद्धि दी है। और ऐसा ऐसा परमेश्वर उस बच्चे की बुद्धि खोलता है ताकि वो मां की भाषा को ले सके। ऐसा ऐसा उस बच्चे के अंदर परमेश्वर मां की खुशबू को डालता है, मां के बदन की खुशबू को डालता है, इसलिए वो मां से रिलेटेड हो जाता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे पहचानता है बच्चा अपनी मां को? ये छोटा सा बच्चा रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, आप पकड़ेंगे, आप पकड़ेंगे, चुप नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मां उठाएगी वो चुप हो जाएगा। क्या होता है उसके? उसकी सांसों में वो खुशबू होती है, वो खुशबू का एहसास उसे होता है अपनी मां का। आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कितना जरूरी है? आप अगर ये अहम करें कि मैं एक मां, मैंने पाला है, नहीं मेरी बहन, आपने नहीं पाला है। अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं होता, आप अपने बच्चे को नहीं पाल सकते। वो परमेश्वर ही था जिसने फिरौन की बेटी के अंदर दया डाली कि जाओ किसी आया को लेकर आओ जिसके दूध आ रहा है और वो उसको दूध पिलाएगी। मूसा अपनी मां के पास परमेश्वर की कृपा से पहुंचा, यकोबेत ने उसको दूध पिलाया, परमेश्वर की योजना थी। किस तरीके से वो गया फिरौन की बेटी के पास और फिर वापस आ गया तीन महीने के लिए, 3 साल के लिए, और 3 साल तक यकोबेत मूसा को दूध पिला पिलाकर बता रही थी कि तू कौन है, तेरा पिता कौन है, तेरी मां कौन है। हमें कभी नहीं भूलना है मेरी बहन, मेरे भाई, कि हमारा पिता कौन है, हमारी मां कौन है, हमारा संरक्षक कौन है, हम पर दया करने वाला कौन है, हमें थामने वाला कौन है, हमारी सुरक्षा का कवच देने वाला कौन है, हमें ऊंचाइयों पर लेने वाला कौन है, हमें अपने गोदी में बिठाने वाला कौन है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए मूसा को वो याद था, इसलिए उस अनदेखे प्यार को वो दृढ़ता से देखता रहा और छोड़ दिया राजा का महल, छोड़ दिया वो सब ठाट वगैरह और चला गया मैदान शहर में, और उसने अपने आप को दृढ़ बना। जब तक उस पहाड़ी पर नहीं गया, मोरे पर्वत पर, जहां पर झाड़ियों को उसने देखा, उस झाड़ी को देखा जो जल तो रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका अनुभव काम नहीं आता है। कभी भी हमें अपने अनुभव पर भरोसा नहीं करना है, हमें यीशु के वचन पर भरोसा करना है।
इसलिए पतरस ने अपने अनुभव पर भरोसा नहीं किया कि मैं एक मछुआरा हूं, मैं सालों साल से मछलियां पकड़ता हूं और आज भी मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूं। नहीं, उसने भरोसा किया तो प्रभु के वचन पर भरोसा किया। उसने कहा कि मैं तेरे कहने से ये जाल डालता हूं। आमीन। मेरे भाई, मेरी बहन, आज भी हम जीवन में अपने जीवन प्रणाली को, अपने जीवन, हमारी दिनचर्या में इस चीज को लेकर आए कि प्रभु तेरे कहने से मैं ये करता हूं। प्रार्थना क्या है, कभी आपने सोचा है? आप जब सुबह उठते हैं आप कैसी प्रार्थना करते हैं? आज का दिन जब शुरू हुआ वो आपके जीवन का एक भाग है। आप अपने उस जीवन के भाग को सुबह उठते ही परमेश्वर के चरणों में समर्पित करिए। अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को, अपनी शक्ति को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करिए और कहिए कि प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं तेरे उस समझ को जो तू मुझे समझाना चाहता है समझ सकूं, तेरे उस ज्ञान को समझ सकूं, जब मैं चलूं तो मैं महसूस कर सकूं कि तू मेरे साथ है, तभी मैं सही निर्णय ले पाऊंगा दिन में। आप क्यों गलत निर्णय ले पाते हैं दिन में? क्योंकि आप उसके आधार पर काम नहीं कर रहे हैं। आप छोटी सी प्रार्थना करते हैं बस, अपने स्वार्थ की प्रार्थना, अपनी संगति की प्रार्थना नहीं करते। परमेश्वर अदन की वाटिका में आदम से मिलने आता था, संगति करने आता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगे लेकिन वो प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं है कि वो हमारे जीवन से परमेश्वर के महत्व को निकाल दें। परमेश्वर का सामर्थ्य इतना बड़ा है कि उसके सामने कोई भी प्रार्थना, कोई भी विपत्ति, कोई भी परीक्षा टिक नहीं सकती है। कोई प्रार्थना टिक, आपको पता है परमेश्वर ने भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष अदन की वाटिका के बीचों बीच लगाया था, कोने में नहीं लगाया था, कोने में नहीं लगाया था। बीचों बीच लगाया था ताकि आप उसे रोज देखें और अपने आप को दृढ़ करें, उसे देखें और अपने आप से कहें कि मेरा परमेश्वर इससे कहीं बड़ा है। आज आप अपनी परीक्षाओं को रोज देखें। आप कई लोग परीक्षाओं में होंगे, कई प्रॉब्लम्स में होंगे, कई कर्जों में होंगे, कई ऐसी बीमारियों में होंगे जिसका आप समझते हैं कि आप ठीक नहीं हो सकता है। आप उन बीमारियों को देखें, आप उन कर्जों को देखें, उनसे मुंह मत छुपाएं और उनसे कहें कि बीमारी या कर्ज, मेरा परमेश्वर तुझसे बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब वो परमेश्वर उसका वचन हमारे जीवन में काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें अपनी परीक्षाओं का सामना करना है। यीशु मसीह ने नए नियम में आकर हमें बताया कि शैतान कौन है, छुपाया नहीं हमसे कि मेरे बच्चों को नहीं, मैं शैतान के बारे में नहीं बताऊंगा, बताया ये शैतान है, इससे तुम्हें बचना है। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने कहा यह भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, इसे तुम्हें नहीं खाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो। हमें अपने वचन, अपने अनुभव पर भरोसा नहीं करना है।
राहब वेश्या। इस कहानी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हमें उसके वचनों को समझना है और वचनों को लेना है। राहब वेश्या जो कि यरीहो नगर में थी, यहोशू की किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो एक चैप्टर है इसके ऊपर, और उस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरीके से यहोशू ने जब अपने भेदियों को, अपने साथियों को भेद लेने के लिए भेजा, तो किस तरीके से राहब वेश्या के उस घर में गए जहां पर वेश्यावृत्ति होती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए बेटा, अगर आप पढ़ेंगे यहोशू 2:1। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 बेदियों को शितिम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। क्या करा? आमेन, हालेलुया। राहब के घर में जाकर सो गए। इसलिए वे गए और राहब नामक घर के में पहुंचकर जाकर सो गए। आप किसी घर में जाकर सो सकते हैं क्या? एक सिर्फ वेश्या का घर ऐसा होता है जहां बिना परमिशन के जा सकते हैं। वहां कोई आपको आधार कार्ड देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वेश्या का घर ऐसा होता है जिसमें कोई भी जाति का आदमी जा सकता है। आप समझ रहे हैं? कोई भी आदमी का जाति। तो क्या कह रहा है कि जाकर सो गए, उसे पूछने की जरूरत नहीं थी। और वेश्या का घर ही ऐसा होता है जहां पर तब बिना डिफरेंट जाति के लोग आते हैं। वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर भी आता है, डॉक्टर भी आता है, वकील भी आता है, आपका धंधा करने वाले भी आता है, मोची भी आता है, सुनार भी आता है, छोटा आदमी भी आता है, बड़ा भी आदमी आता है, गरीब भी आता है, अमीर आता है, सब तरीके के लोग आते हैं। तो ये भेदिए राहब वेश्या के घर क्यों गए? ताकि वहां से ही उस शहर की के बारे में पता लगेगा कि शहर में क्या हो रहा है, ये लोग कितने प्रभावशाली हैं, ये लोग कितने ताकतवर हैं, इनके पास कितना पैसा है। इसलिए वो राहब वेश्या के घर में गए। Praise the Lord, hallelujah। और उन्होंने सोने के बहाने से उनका भेद लेने की कोशिश की। सो गए, अब सो रहे हैं और बातें सुन रहे हैं। क्यों लिखा? सो रहे हैं। सोने नहीं गए थे वो? सोने का बहाना करके हम थके हुए हैं, सोने गए और बातें सुन रहे हैं कि पुलिस वाला वहां पर आया और पुलिस वाला कह रहा, अरे यार, अरे तुम लोगों ने देखा नहीं है इब्राहिम के परमेश्वर ने क्या क्या किया, मिस्र से कैसे निकाल के लाया उनको, और देखो यहां से भी आने वाले हैं, इसलिए हमारा राजा डरा हुआ है। मैन, तरह तरह की बातें कहां सुनी उसने उन लोगों ने? वहीं पर। आगे बढ़िए बेटा। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात कई एक इजरायली हमारे देश का भेद लेने को यहां आए हुए हैं। आप देखिए, वहीं पर राजमहल का कर्मचारी भी गया हुआ है, और जैसे ही उसे पता लगा कि अरे ये नए आदमी है, ये यहां के नहीं है, ये कहीं दूसरे देश के हैं, और जब पता लगा कि ये भेदी है, तो उसने कहा कि साहब भेदी आए हुए हैं, राजा इब्रानियों का भेदी आया है, इजरायलियों के भेदी आए हुए हैं आपको चेक करने के लिए। आगे पढ़िए। तब यरीहो के राजा ने राहब के पास यू कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ। हालेलुया। तब यरीहो के राजा ने राहब के पास ये संदेश भेजा कि जो पुरुष तेरे पास आए हैं, जिन्होंने तेरे घर में प्रवेश किया है, उन्हें बाहर निकाल, क्योंकि वे सारे देश का भेद देने आए हैं। परंतु उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को भीतर छुपा दिया और उत्तर दिया कि हाँ, वे मेरे घर में आए तो थे, परंतु मुझे नहीं मालूम कि वे कहाँ गए हैं। अंधेरा होने पर, द्वार बंद होने के समय वे बाहर चले गए। मैं नहीं जानती कि वे पुरुष कहाँ चले गए हैं। उनका तुरंत पीछा कर, क्योंकि तू उनको पकड़ लेगा। हेलो, ध्यान से देखिए यहां क्या हो रहा है। यहां पर राहब जो एक वेश्या है, लेकिन परमेश्वर को जानती है, वो परमेश्वर से प्यार करती है, वो जानती है कि मिस्र से किस तरीके से इसराइलियों को परमेश्वर ने निकाला है,
लाल समुद्र को दो भाग करके किस तरीके से इसराइलियों को परमेश्वर ने निकाला है, किस तरीके से मिस्रियों को मात दी है, वो जानती है। और वो जानती है कि यहां पर हमारे राज्य में क्या हो रहा है। आप सोचिए, वो राजा जो यरीहो का था, उसे राहाब को बताना पड़ा कि उस भेदियों को निकालो, उन भेदियों के सामने कुछ मत कहो। वो राजा का डर जान रही थी। राजा का डर हमें पता लगता है। तो यहां पर जो राहाब वेश्या है, वो परमेश्वर को जान रही थी और वो राजा के डर को भी जान रही थी। और वो जानती थी कि परमेश्वर यरीहो को जीत लेगा और एक दिन इजरायलीज यहां पर राज्य करेंगे। इस अलाउट हालेलुया। वो जानती थी, इसलिए उसे छुपाया। और हिम्मत आप देखिए कि उसने अपने जान की परवाह नहीं की, उसने उसकी सहायता की कि साहब तुम यहां पर छुपे रहो, और उनसे बोला कि वो चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। वेश्या जो होती है, वो जब किसी पर मेहरबान होती है तो किस तरीके से उसे बचाती है, और अगर वो किसी को ना बताना चाहे, किसी की हेल्प ना करना चाहे, तो आप उसको मजबूर नहीं कर सकते। हालेलुया। यरीहो का राजा जानता था कि राहाब वेश्या के घर में तरह तरह के लोग आते हैं और वेश्यावृत्ति वहां पर चलती है। अब जब ये सब कुछ हो चुका, उसने बता दिया, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, तब उसने राहाब वेश्या ने जो यरीहो से आए थे, इज़राइलियों के जो भेदी थे, उनसे कहा कि अब आप मेरी सुरक्षा करें, अब आप मुझसे वाचा बांधे। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि यरीहो के राजा, यरीहो की जो वेश्या थी, राहाब वेश्या थी, वो जानती थी परमेश्वर कौन है, वो जानती थी कि परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है। अब वो परमेश्वर की वाचा में रहना चाहती थी। हालेलुया। उस वचन के अनुसार जीना चाहती थी जो वचन उसे सुरक्षा देगा, जो वचन उसे जीवन देगा। सुरक्षा कौन देगा आपको? प्रभु का वचन। आप अगर वाचा में नहीं जिएंगे तो आप परमेश्वर का नहीं बन सकते, आप वो आशीष नहीं पाएंगे। जब आप प्रभु भोज में जाते हैं और हम प्रभु भोज लेते हैं, तो हम एक वाचा में बंध देते हैं, जो इस लहू के, जो इस दाखरस को पिएगा, वो इस वाचा में बंध जाएगा कि जब तक यीशु मसीह ना आ जाए, हमें उसकी मौत का प्रचार करना है। हालेलुया। तो 12वां वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इसलिए, तो वहां पर वो क्या बोलती है राहाब वेश्या उनसे, इसलिए कृपा कर यहोवा के नाम में मुझे शपथ खाओ कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ दया का व्यवहार किया, वैसा ही तुम भी मेरे पिता के परिवार के साथ दया का व्यवहार करोगे, और मुझे अपनी सच्चाई का कोई चिन्ह दो। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। वो जानती है कि इज़राइलीज़ आएंगे और यरीहो पर कब्जा करेंगे, ये होना ही है, निश्चित है। अब वो उनसे चिन्ह मांग रही है, उस वाचा का निशान मांग रही है। प्रेज द लॉर्ड। उसे अपने अनुभव पर भरोसा नहीं है। उसका अनुभव तो कहता है कि यरीहो का राजा कुछ नहीं है, परमेश्वर महान है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उस वचन के अनुसार वह अनुभव के साथ नहीं, वचन के अनुसार जीना चाहती है, उस वाचा के अनुसार जीना चाहती है। तो यहां पर भेदिए क्या कहते हैं, 17 से अगर पढ़ेंगे हम, तब पुरुषों ने उससे कहा, तूने जो शपथ हमें खिलाई है, उससे हम इस शर्त पर मुक्त ठहरेंगे कि हमारे इस देश में प्रवेश करने पर, यदि तू इस खिड़की पर जिससे तूने हमें बाहर उतारा है लाल धागों की रस्सी लटकाकर ना रखे, तो इस घर के भीतर अपने पास अपने पिता, अपनी माता, अपने भाइयों और अपने पिता के घराने को एकत्रित करके ना रखे। यदि कोई तेरे घर के बाहर सड़कों पर आए तो उसके रक्त का दोष उसी के सिर पर होगा, हम निर्दोष ठहरेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, यहां पर क्या कहते हैं वो भेदिए कि ठीक है, तू वाचा चाहती है, हम वाचा के लिए तैयार हैं,
लेकिन वाचा के लिए क्या है, तुझे हम चिन्ह देते हैं, एक लाल का धागा, जिस खिड़की से उसने उतारा था उस खिड़की पर एक लाल कलर का धागा बांध के रखिएगा, यह चिन्ह है। और अगर तू अपने माता पिता अपने पूरे परिवार को बचाना चाहती है तो आज से तेरे घर में सिर्फ तेरे माता पिता और तेरे जो रिश्तेदार हैं वही रहेंगे। आमीन। हेलो, यानी कि परमेश्वर की वाचा आपको पवित्रता के रास्ते पर लेके जाती है। उसने आहाब को बताया कि आज से आप वेश्या नहीं हैं, आज से आप परमेश्वर की दासी हैं, आज से आप परमेश्वर के वचन में बन चुकी हैं, आज से उस वाचा के अनुसार हैं। अब इस घर में कोई दूसरा नहीं आएगा, कोई तीसरा नहीं आएगा, अब आपके घर में सिर्फ आपके माता रहेंगी, आपके पिता रहेंगे, आपके रिश्तेदार रहेंगे और आपके सगे संबंधी रहेंगे। और अगर वो सड़क के बाहर कहीं दिखाई दिए जब हम आएंगे लड़ने के लिए, तो उनकी मौत का जिम्मेदार हम नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, परमेश्वर अपनी वाचा के अनुसार आपको सुरक्षा का कवच पहनाता है। अगर आप उसकी वाचा में हैं तो आप सुरक्षित हैं, अगर आप उसकी वाचा में नहीं हैं तो आप खुद सुरक्षा का कवच पहनाते हैं। वो कह रहा है कि अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सगे संबंधी जब हम युद्ध के लिए आएंगे और अगर वो सड़क के बाहर मिले, उस कमरे से बाहर मिले, तुम्हारे घर से बाहर मिले, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आमीन। हेलो, क्या कहना चाहता है वचन यहां पर, कि जब हम वचन के अनुसार चलते हैं परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम वचन के अनुसार चलते हैं तो उसकी पवित्रता उसकी धार्मिकता हमारे साथ है। लेकिन जहां हम वचन से अलग हुए तो आप उस बाड़े से दूर हो जाते हैं जिसमें परमेश्वर आपको रखना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। राहाब का घर वो सुरक्षा का स्थान बन गया, एक वाचा का केंद्र। उसे राहाब से कहा कि अगर तू इस लाल धागे को अपने खिड़की से बांधे रहेगी, लाल धागा किसको दिखाता है, यीशु मसीह के लहू को। आमीन। अगर तेरे परिवार पर, अगर तेरे घर में यीशु का लहू लगा रहेगा तो तू सुरक्षित रहेगी। आज परमेश्वर क्या कहता है, अगर आप अपने जीवन में यीशु मसीह का लहू लगाकर अपने जीवन को लेकर चलेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। आप चाहे नौकरी करने के लिए जाते हैं, चाहे धंधा करने के लिए जाते हैं, चाहे कोई भी काम करना चाहते हैं जाते हैं, अगर आपके ऊपर यीशु का लहू है तो आप सुरक्षित हैं। अगर आपके ऊपर यीशु का लहू नहीं है तो आप सुरक्षित नहीं है, आप सुरक्षित नहीं है। अगर आप उस बेड़े से बाहर जाते हैं, अगर यीशु का लहू आपके पास नहीं है, आपके साथ नहीं है, और शैतान आपका कुछ भी करता है, तो परमेश्वर इसका जिम्मेदार नहीं है। यहां पर लिखा हुआ, मैं दोबारा आपके लिए पढ़ता हूं, यदि कोई तेरे घर के द्वार के बाहर सड़कों पर जाए तो उसके रक्त का दोष उसी के सर पर होगा और हम निर्दोष ठहरेंगे, परंतु तेरे घर के भीतर रहने वाले किसी व्यक्ति पर यदि किसी का हाथ पड़े तो उसके रक्त का दोष हमारे सर पर होगा। प्रेज द लॉर्ड। तब उसने क्या कहा वेश्या ने, कि तब उसने कहा कि तेरे वचन के अनुसार हो। तब उसने उन्हें विदा किया और वे चले गए और तब उसने लाल रस्सी को खिड़की पर बांध दिया। आमीन। अब राहब वेश्या की पहचान, राहब वेश्या का वो कोठा नहीं था जिस पर लोग आ जाया करते थे, एक वेश्या का कोठा नहीं था, अब राहब वेश्या का वो मकान मंदिर बन गया था। यीशु का लहू आ गया था उसके ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। उसने अपने आप को पवित्र कर लिया था, अब उसने धंधा छोड़ दिया, अब वहां पर वो अपने माता पिता के साथ रह रही थी और स्तुति आराधना में अपने जीवन को बिता रही थी। प्रेज द लॉर्ड। आप सोचिए कि आप कैसे माहौल में जी रहे हैं,
कैसे माहौल में जीने आपको पता है? अभी मैंने एक वीडियो देखा जो बताता है कि 666 का निशान आ चुका है, 666 जो कि शैतान की गणना है, गिनती है, 666 के नाम से अकाउंट खुल रहा है, जो कि बाइबल में लिखा हुआ है। आप प्रकाशित वाक्य अगर 13वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, ध्यान रखिए, प्रभु कभी भी आ सकता है, हमें अपने आप को तैयार रखना है। और आपकी ड्यूटी है, आप अपने परिवार की रक्षा करिए, अपने बच्चों को बताइए। अगर आपका बच्चा कलीसिया नहीं आता है, उसको थप्पड़ मारकर लेकर आइए। इससे बेहतर है कि वो नरक में जाए, उसको थप्पड़ मारिए। कलीसिया कितना जरूरी है, आप अपने अनुभव से नहीं। जब नूह के समय में जहाज बनकर तैयार हो गया, बाइबल में लिखा है तब भी शादी ब्याह हो रहे थे। नूह के सुसमाचार पर, नूह की चेतावनी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और नूह बोलता रहा। आमीन। आज बाइबल आपसे कह रही है, अपना ध्यान रखिए, अपने आप को प्रभु में रखिए, अपने अनुभव पर नहीं, यीशु के वचन पर चलिए। भूल जाइए आपका अनुभव, इंसान का अनुभव परमेश्वर के वचन के सामने कुछ नहीं है। रहा वैश्या परमेश्वर को जानती थी और यरीहो राजा की कमजोरी को भी जानती थी, उसके पास एक्सपीरियंस था, इसलिए उसने बेधड़क होकर उनको बचाया। वो जानती थी कि राजा कमजोर है। वो जानती थी कि राजा कमजोर है और इसराइली लोग आएंगे और यरीहो पर कब्जा करेंगे, वो जानती थी। लेकिन फिर भी, क्योंकि आपका अनुभव आपके अंदर घमंड लाता है, कह रहे मेरे पास अनुभव है यार, नहीं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अंतिम समय में कोई समय या काल आप नहीं जान सकते, वो परमेश्वर जानता है। न बेटा जानता है, न कोई जानता है, सिर्फ पिता जानता है कि वो समय कब आएगा। इसलिए बाइबल कहती है, उस समय के लिए अपने आप को तैयार रखिए, एक दुल्हन के रूप में अपने आप को तैयार रखिए, क्योंकि आपका दूल्हा आने वाला है और आपको लेकर जाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए पतरस ने जब इतनी सारी मछलियां देखी, उसने मछलियों को छोड़ा और यीशु के पीछे चल दिया। हो सकता आपके सामने भी मछलियां हैं, आपके भी सामने धंधे की बहुत बड़ी मछलियां हैं, लाख, दो लाख, चार लाख, पांच लाख का धंधा है आपके सामने, वो धंधा आपको खींच रहा है। हो सकता आपकी नौकरी जो आपका पालन पोषण कर रही है, वो आपके लिए बहुत बड़ी है, जरूरी है, अच्छी बात है, लेकिन उसके वचन को मत भूलिए, उस लाल धागे को मत भूलिए। चेक करिए कि मेरे जीवन पर यीशु मसीह का लहू है कि नहीं है। आते जागते जिस संगति में बैठते हैं आप, देखिए यीशु मसीह का लहू मेरे ऊपर है कि नहीं है। अगर यीशु मसीह का लहू आपके साथ नहीं है, आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। उसने कहा, अगर ये लाल धागा नहीं होगा तो हम आपको नहीं बचा पाएंगे। आपको कौन बचाएगा? ये चिन्ह कि लाल धागा आपके साथ है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उस लाल धागे को अपने साथ रखिए, उसके सामर्थ्य को समझिए, उसकी
उसकी दया को समझिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा जोर से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।